5 रीजन व्हाई कैंग द विलेन इज मोर पावरफुल देन थानोस। कॉमिक्स दुनिया की क्लासिक और बीलव ट्रोप में से एक कौन जीत पाएगा डिबेट है। ये बहस हीरोज के खिलाफ हीरो, विलेन के खिलाफ विलेन और मैजिक सुपर एबिलिटीज, बुद्धि और टेक्निक्स की शक्ति की तुलना करना फैंस पसंद करते हैं। चूंकि एमसीयू एक बड़े और बुरे विलेन के साथ एक अब जारी रखता है, तो तेजी से पावरफुल विलेन के साथ हीरोज की पावर पर जाते हैं और कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आशय है कि विलेन एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विलेन वर्सेस विलेन, मींस हम बात करेंगे 5 रीजन व्हाई कैंग द विलेन मोर पावरफुल देन द थानोस। थानोस एमसीयू का एक पावरफुल विलेन है जिसे हम कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं। अब कैंग द किंग की बारी है। दोनों पावरफुल विलेन हैं, दोनों का कभी सामना नहीं हुआ है, तो यह अच्छा टाइम है ये देखने के लिए कि ये बैटल कौन जीतने वाला है। रीजन 1, कैंग उस तरह का विलेन है, इसकी शक्तियाँ पर जाए तो उसके पास फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं जो उसे लड़ाई में मदद करते हैं, साथ ही कवच भी है जो अपनी ताकत और स्थायित्व को बढ़ाता है। दूसरी तरफ थानोस टाइटन के यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल शक्तियों में से एक है। थानोस अपने इंटरनल फिजियोलॉजी के कारण उसको हर्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग थानोस की पावर को कैंग की तरह बताते हैं, पर वो इसका सिर्फ एक पार्ट है। रीजन 2, कैंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके मल्टीपल वर्जन हैं और कॉमिक्स में एमसीयू ओल्ड और यंगर हर एक वर्जन का मल्टीवर्सल एक्सप्लेनेशन करने वाला है। कैंग को अपने टाइम ट्रेवलिंग सीप के अलावा बैटल की शक्तियों और क्षमताओं को भविष्य की कवच और हथियारों की अधिकता से मदद मिलती है। कैंग की लड़ाई कवच उसे मारने के सबसे भारी हिट के साथ पैर की अंगली जाने वाली ताकत और सजगता देता है। कैंग कॉन्करर का सबसे हैवीस्ट वेपन न्यूट्रिनो रे है जो हैंडगन के साइज के बराबर है। रीजन 3, टाइम ट्रेवल के माध्यम से अपनी पहली यात्रा पर कैंग ने एंशिएंट इजिप्ट जाने का फैसला किया। अपने आगमन पर कैंग ने अपने उन्नत हथियारों और रोबोटों को लेने के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसने शासन किया। एस फेरो रामाटुल, कैंग ने फेवर्ड इन सबा नूर खोजने में एंशिएंट इजिप्ट में अपना टाइम व्यतीत किया। इवेंचुअली सेवन नूर एपोकैलिप्स मार्वल्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलेंस में से एक बन गया। रीजन 4, कैंग ऐसा विलेन है जो मल्टीवर्स के फैमिलियर है। मार्वल्स कॉमिक से पता चलता है कि कैंग की वेरिएंट एक आदमी है जिसका नाम नाथनल रिचर्ड्स है। रीड रिचर्ड्स द फैंटास्टिक फोर का मिस्टर फैंटास्टिक है। द फैंटास्टिक फोर एमसीयू के फेज 6 की पहली फिल्म होगी। कंपैरिजन करें तो कैंग एवेंजर्स और थानोस के लिए बड़ा खतरा है। रीजन 5, कैंग एवेंजर्स के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है क्योंकि वह उन्हें ओवर पावर कर सकता है। कैंग उन लोगों से अच्छी तरह लड़ सकता है क्योंकि कैंग उनकी स्ट्रेटेजी को समझता है। कैंग उसकी स्ट्रेटेजी को समझने में मास्टर है। कैंग फ्यूचर में सभी से लड़ने की स्ट्रेटेजी पर काम करेगा। ये थे 5 रीजंस व्हाई कैंग द विलेन इज मोर पावरफुल देन द थानोस। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।